जी सर।
बट आई सॉल्व होके आंसर दैट क्या आंसर है बेटा। अब जैसे मैंने सॉल्व किया इसको आप वैसे सॉल्व करो, एक करो 3 डिवाइडेड बाय 76 by 6 इसी लेवल का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। एक मिनट से पहले सोल्व करेंगे इसको, डू इट फॉर। और 39 by 17 सर, 39 by 17 सर, 39 by 17 इसका आंसर क्या है आपका, जल्दी बताएंगे आंसर आया किसी बच्चे का? 39 by 17 ठीक है, 2 2 4 + 1 5 2 आपको पता डिवाइड है तो भाई रेसिप्रोकल होगा, 1/3 + 2/5 5 3 = 15 + 2 = 17/5 और
ये आ गया आपका 5 अपॉन 17, 17 टू जो 34, 39 बाय 17, ये है ना भाई सबका आंसर 39 बाय 17, बिल्कुल सही। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत एक मिनट किसी बच्चे को एक दो मिनट पानी वानी पीना है तो पी लो, इसके बाद फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चे, दो मिनट का गैप है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। और वो टॉपिक का नाम है आपका ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का टॉपिक स्टार्ट होगा दो मिनट। ओके सर। सर आवाज नहीं आ रही बेटा, अभी दो मिनट का गैप दिया, अभी आपको दो मिनट का रेस्ट है, इसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके सर।
बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देंगे बेटा, उसको बुलाओ बेटा, उसको चेक बुलाओ, तुम नहीं बेटा बोले यहाँ बैठे बेटा। ट्राइंगल्स टॉपिक है आपका, टॉपिक नेम इज ट्राइंगल्स। इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए, क्वेश्चन नंबर वन। ये आपने x निकालना है, तो बताएंगे x कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चे x हम कैसे निकालेंगे, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई ये क्वेश्चन सबको? यस सर। सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप उसका आंसर सॉल्व करो। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक्स आपने फाइंड आउट कर, सॉल्यूट करोगे। डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। 14.4 आंसर आया भाई 14.4। क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन 5, 6, 12 and x। 12 by x पहले वाले के अपॉन पहले वाला, दूसरे वाले के अपॉन दूसरे वाला। 5x is equal to 12 से जा 72, और जब 72 को 5 से डिवाइड करोगे 5 बन जा 5, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा अगेन 20, आंसर आ गया 14.4। कैसा भी डायग्राम आ सकता है, 1.8, 5.4, 7.2, A, B, C, D, 4E।
आपने एडी फाइंड आउट करो। एडी सर 2.4 सेंटीमीटर। सर 2.4। बहुत ही बढ़िया बच्चे। जो भी आपसे एडी पूछा गया है, जो भी आपने फाइंड आउट करना है उसको आप एक्स ले लेंगे। कुछ भी पूछा है, एडी पूछा है तो एडी एक्स, पहले वाले के अपॉन पहले वाला, एक्स अपॉन 7.2, 1.8 अपॉन 5.2। ऊपर नीचे डेसिमल है तो डेसिमल से डेसिमल आप हटा दो, क्योंकि नीचे 10 ऊपर 10 कट जाएगा। तो 54x is equal to 18 into 7.2 upon the 54, decimal हटेगा तो फिर 0 आएगा, 18 3 जा 54 नीचे आ गया भाई आपका, खाली x बच गया। अब ये कितने पे जा रहा है भाई आपका, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 2 जा 12। तो 12/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो 5 2 10 एंड 5 4 20, तो आंसर आएगा आपका 2.4। तो ये आगे भाई आपको समझ में, या दोबारा से बताना पड़ेगा किसी स्टूडेंट को जल्दी बताएंगे। सर आ गया, ठीक है। आवाज नहीं आ रही भाई ज्यादा स्टूडेंट्स के आंसर देने की, तो जिसने अभी तक भी आंसर नहीं दिया वो सर आ गया। सर जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी ई आंसर देंगे। आपने ई सी निकालनी है, ई सी गिवन ले 5, ये ले 4, ये ले 6, फाइंड ई सी, निकालो भाई। सर 7.5 सेंटीमीटर भाई। सर 7.5। ये आपने लिया 7.5 अपॉन में 6, जो भी पूछा है ना भाई उसको आप x ले लो। 4x is equal to 6 into 5, x is equal to 6 into 5 upon 4, कैंसिल कर दो, 2 2 4, 2 3 6, तो 15 और 2 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 7.5। बिल्कुल सही है। ट्रायंगल में ही कौन कैसे क्वेश्चन होते हैं आपके, जैसे मैंने ये लिया, ऐसे लिया है मैंने, ए बी सी क्यों, अब ए बी सी पी क्यों है भाई आपका, ये आपका 16, ये आपका 40। अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में आप निकालो एंगल पी ए क्यू कितना होगा, ये वाला है सर 80 डिग्री। यस सर 80। यस सर 80 डिग्री। बहुत ही बढ़िया भाई। आपको ये पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है ये 40 है, तो 60 और 40 हो गए 100। 100 में कितना प्लस कर, 80 प्लस करेंगे, पर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये एंगल 80 आया है तो ये भी एंगल कितना आएगा। बिल्कुल सही आंसर, बहुत। मैंने लिखा भाई यहाँ पे ये लिखा 60, ये एंगल लिखा 1 1 0,
x कितना होगा x सर 50 बहुत ही बढ़िया जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना भाई अपोजिट इंटीरियर एंगल उसका सम होता है जो 110 है ना इन दोनों के सम के बराबर होता है तो 60 में मैं कितना और प्लस करूं जो 110 हो जाए 50 एक्स मेरा आ जाएगा अब सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे भाई इसी को आपको पता चल गया जो एक्सटीरियर एंगल होता है मैंने लिया 40 मिल गया मैंने 30 मिल गया x x कितना होगा भाई अब तो आप इसलिए बता सकते हैं x कितना होगा 70 जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है तो ये कितना हो जाएगा x 70 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 अरे सोच के ठीक है आगे देखते हैं मेरे को x बताना भाई आपको x क्या होगा सर 150 सर 150 सर 120 ओके x निकालना भाई x फाइंड x आपको बोला भी अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम 80 होता है तो ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इसके अपोजिट दोनों का सम 80 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30 हो जाएगा ना और कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका सम आपको पता 180 डिग्री होता है तो ये स्ट्रेट लाइन का सम 180 है तो 180 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 150 ये कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई सबको लोगों ने किया अनंत सोलंकी आ गया भाई समझ में निष्ठिराज चौहान जय यस सर यस एक्स बताने कितना होगा बताओ नाइनटी ये मैंने 130 लिया और ये मैंने 160 लिया चलो अब बताओ एक 160 ले लिया ट्रैफिक लेन फ्रीज हो गई एक 160 लिया एक 130 ले लिया करो वैसे सर 130 ओके सर 110 आएगा 110 सर 100 कितना आंसर आ गया भाई
110 हो गया भाई? देखो अभी आपको बताया जो स्ट्रेट एंगल है उसका सम कितना होता है स्ट्रेट का, अभी ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 160 है तो ये कितना हो जाएगा 20, तभी तो पूरा 180 होगा। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पे 50, तभी तो 180 होगा। अब ये 50 और 20 70 है पर तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 180 में से जब 50 और 20 70 घटाओगे तो 110 आएगा। एक और सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई, ताकि सब आंसर दे पाए। एक्स बताओ कितना हो गया, सर इक्वेशन पॉसिबल है? हाँ बताओ, सब कुछ पॉसिबल है, आंसर बताओ। अच्छा 170 कर दिया क्या मैंने? यस सर, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ये 70 है, ये 70 करो। कितना आ गया बेटा? एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, अदर स्टूडेंट जवाब देंगे। सर 60 होगा। देखो आपको अभी अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था, ये 50 है तो ये भी 50 हो। अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ ही नहीं आता तो स्ट्रेट लाइन का बताया अभी आपको, स्ट्रेट लाइन का क्या बताया, स्ट्रेट लाइन का तो 180 होता है तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का सम अगर ये 180 है पूरा तो ये 130 हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका सम भी 180 होगा तो ये फिर 50 आ जाएगा। तो वर्टिकल अपोजिट से भी 50 आएगा, वैसे भी ये 50 आ जाएगा। अब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब ये 70 और 50 120 और तीनों का सम 180 होता है तो 180 में से 120 माइनस करो तो भी काम से क्लियर होगा भाई ये भी सबको। कुणाल भट्ट, भुवन, हिमांश शर्मा, मयंक, साइमन राणा, विनायक गुप्ता, क्लियर होगा बच्चे? यस सर। ठीक है, तो मीटिंग फिर से खत्म होने वाली है, एक मिनट से भी कम टाइम बचा है तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है ना? ओके सर। आप लिख कर सकते हैं।